आ जाते हैं इस आर्टिकल में। ये हमने बैकग्राउंड पूरा देख लिया था। अच्छा, हमने ये भी देख लिया था कि द मेन आइडिया बिहाइंड फ्लैक्स बॉक्स इज़ टू गिव द कंटेनर द एबिलिटी टू अल्टर इट्स आइटम। कि हम जब फ्लैक्स बॉक्स का जो लेआउट सिस्टम है उसमें हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, उसमें हम एक्चुअली ये कर रहे होते हैं कि जो कंटेनर होता है उसको हम ये एबिलिटी दे देते हैं कि वो क्या करे, वो अपने जो चिल्ड्रन हैं अपने अंदर मौजूद आइटम्स हैं उसको वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। अच्छा, और उसको अल्टर कर सके। अल्टर का मतलब क्या होता है कि चेंज कर सके उसको, और उसके अंदर मौजूद आइटम के विड्थ को, हाइट को और ऑर्डर को, ये तीन चीज़ों को वो अल्टर कर सके। यहाँ पे इन्होंने बताया। अच्छा, क्यों अल्टर करेगा जी उसको? वो इसलिए अल्टर करेगा टू बेस्ट फिल द अवेलेबल स्पेस, कि अवेलेबल स्पेस जो भी है उसको वो अच्छी तरह कंज्यूम कर सके, अच्छी तरह उसको फिल कर सके। मिसाल के तौर पे आपके पास एक डिव बना हुआ है, एक डिव है। डिव आप सब लोगों को पता है क्या चीज़ है? अच्छा, डिव एक HTML का एलिमेंट है, जैसे H1 है, जैसे पैराग्राफ है, इसी तरह एक डिव भी है। अच्छा, डिव इटसेल्फ कोई स्क्रीन पे नज़र नहीं आता। डिव जो है क्या होता है, आइटम्स को, एलिमेंट्स को गैदर करने के काम आता है। ठीक है, तीन चार एलिमेंट्स को मैं एक साथ गैदर करके लिखना चाहता हूँ तो वो उसके काम आता है। मिसाल के तौर पर जो मेरा नेविगेशन बार है उसको मैं डिव के अंदर गैदर कर सकता हूँ। ठीक है, लोगो, मेन्यू और साथ में कोई मे बी प्रोफाइल पिक्चर, तो इन तीनों चीज़ों को मैं क्या कर सकता हूँ, एक डिव के अंदर उसको गैदर कर सकता हूँ मैं। ठीक है, जैसे H1 होता है, H1 का जो एलिमेंट है वो स्क्रीन पे हेडिंग की सूरत में मुझे नज़र आ रहा होता है, लेकिन जो डिव का जो एलिमेंट है वो मुझे स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा होता है। वो क्या होता है कि जी किसी भी तीन चार एलिमेंट को मैं डिव ओपन करता हूँ और डिव को क्लोज करता हूँ, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, तीन या चार एलिमेंट उसके अंदर मैं लिख रहा होता हूँ। ठीक है, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक अदर डिव है और उसके अंदर दो तीन इमेजेस हैं, या दो तीन कोई दूसरे एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे कहा कि जी डिव, और डिव के अंदर मैंने कहा कि चलो H1 लगा देता हूँ मैं। ठीक है, Head 1 और एक डिव बनाकर उसके अंदर चार टोटल मैंने हेडिंग्स यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मेरे पास स्क्रीन पे दिखेगा, ये इसको मैं हटा देता हूँ ऊपर वाले को, मुझे जो स्क्रीन पे ये नज़र आएगा वो किस तरह से नज़र आएगा पहले ये हम देख लेते हैं। कॉपी पाथ किया मैंने इसको और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल चार हेडिंग्स मुझे इस तरह से नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसको मैं कुछ ना कुछ कलर भी दे देता हूँ ताकि मुझे पता लगता रहे कि क्या चीज़ है ये। मैंने कहा क्लास पेरेंट, ठीक है, जो पेरेंट था उसको मैंने पेरेंट का नाम दे दिया। अच्छा, इसका जो रोल है इस वक्त यहाँ पर वो पेरेंट की हैसियत है, इसको कंटेनर भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो जस्ट ये इस जगह पर प्लेस हुआ हुआ है, इस वजह से ये पेरेंट है। ठीक है, ये जो एलिमेंट है ये यहाँ से ओपन है और यहाँ से ये क्लोज है। इसके अंदर जो चीज़ मौजूद है ये इसके चिल्ड्रन कहलाते हैं। अच्छा, अगर ये मिसाल के तौर पर इससे बाहर आ जाए तो अब ये चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि डिव पेरेंट है और H1 चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है, ये इसकी प्लेसमेंट की वजह से ये चिल्ड्रन कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको वापस अंदर कर देता हूँ। तो एक डिव है, डिव का जो इस वक्त रोल है वो पेरेंट का रोल है, और इसके अंदर जो चार H1 मौजूद हैं ये चारों इसके चिल्ड्रन हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं, इसके ऊपर कुछ कलर अप्लाई कर देते हैं। मैं इस पर स्टाइल का एलिमेंट लगाता हूँ एक, और मैं कहता हूँ कि जी डॉट पेरेंट को हम कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर पर्पल। सही है, जो पेरेंट को मैंने बैकग्राउंड कलर पर्पल दे दिया। अच्छा, यही वाला कलर दे देते हैं जो यहाँ पे लगा हुआ है। दूसरी फाइल भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ये वाला तरीका, दिस मेथड इज़ नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, बट ये क्योंकि क्लास पढ़ाते हुए मुझे सेम फाइल पे अगर मिल रहा होता है ना, इसलिए मैं ये तरीका कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे दूसरी फाइल पे बैक एंड फोर्थ आना जाना पड़ेगा। हाँ, आप अलग फाइल बनाएंगे, आप सब लोग क्या करेंगे, अलग फाइल बनाएंगे। दिस तरीका, हाँ, ये तरीका जो है ये नॉट रिकमेंडेड है। अच्छा, और मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो H1 है, मैं कहता हूँ कि डॉट पेरेंट के अंदर जो H1 है इसको भी एक बैकग्राउंड कलर दे दो। ठीक है, दैट इज़ येलो। ठीक है, येलो को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। सही है, ये येलो कलर दे दिया मैंने उसको। ठीक है,
तो अब आप ये नोट करें कि मेरे पास एक अदद पेरेंट एलिमेंट है जो कि एक डिव है, और उसके अंदर चार उसके चिल्ड्रन हैं जो कि चारों एच वन है। अच्छा, इसका जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम है। अच्छा, मैं एच वन है ना ये, इसको मैं हेड टू, हेड थ्री, हेड फोर, वन टू थ्री फोर मैंने अलग अलग नाम दे दिए। तो इसका जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम है, ठीक है, वन टॉप पे, उसके बाद टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है। ये सब लोगों को समझ आ गया किस तरह ये। अच्छा, अब हम आते हैं और इस पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन को लेके ना ये फ्लेक्स बॉक्स की हम बात पढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो इसने क्या बोला यहाँ पे आके कि द मेन आइडिया बिहाइंड द फ्लेक्स लेआउट इज टू गिव कंटेनर, ये कंटेनर पता लग गया, गिव कंटेनर द एबिलिटी टू अल्टर इट्स आइटम, कि एक पेरेंट होगा उसको ये एबिलिटी मिल जाएगी, उसको ये अथॉरिटी मिल जाएगी कि उसके अंदर मौजूद आइटम्स को वो क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, अल्टर कर सकता है, और उसकी विर्थ और हाइट को वो चेंज कर सकता है, और उसके ऑर्डर को भी चेंज कर सकता है। अभी वो वन टू थ्री फोर है, नीचे से भी शुरू हो सकता है, वो थ्री टू वो वन भी हो सकता है। अच्छा, और विर्थ हाइट ऑर्डर, अच्छा वो क्यों करेगा फिल, उसको चेंज क्यों करेगा, टू बेस्ट फिल द अवेलेबल स्पेस, जो भी अवेलेबल स्पेस है उसको बेस्ट फिल करने के लिए उसको वो चेंज करेगा। अच्छा, मोस्टली टू अकोमोडेट अ डिफरेंट साइज ऑफ स्क्रीन, क्या लिख दिया इसने, मोस्टली टू अकोमोडेट टू ऑल काइंड ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस। कह रहे हैं कि ये मोस्टली किस वजह से ये हम कर रहे होते हैं, हमें क्यों इसको बेस्ट फिल करना है, क्योंकि स्क्रीन का साइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता नहीं होता कि कुछ स्क्रीन छोटी होती है साइज़ में, कुछ बड़ी होती है। अगर एक ही वेबसाइट एक मोबाइल पे खुलती है और एक टैबलेट पे खुलती है तो उसमें स्क्रीन का साइज़ अलग अलग मिल रहा होता है दोनों डिवाइसेस के ऊपर। अ फ्लेक्स कंटेनर एक्सपेंड्स आइटम टू फिल अवेलेबल फ्री स्पेस। एक फ्लेक्स कंटेनर जो है वो क्या करता है, क्योंकि कंटेनर के पास तो अथॉरिटी है अपने चाइल्ड को छोटा बड़ा करने की, तो कह रहे हैं कि फ्लेक्स कंटेनर एक्सपेंड्स आइटम, फ्लेक्स कंटेनर जो है वो आइटम को बड़ा कर देता है खींच के, टू फिल फ्री अवेलेबल स्पेस, कि अगर अवेलेबल स्पेस है तो उसको फिल करने के लिए। अच्छा, और श्रिंक देम टू प्रिवेंट ओवरफ्लो, उसको दबा के छोटा भी कर सकता है अगर वो आइटम अपने कंटेनर से बाहर निकलने के लिए कर रहा है। अगर कंटेनर बहुत छोटा हो गया और उसके अंदर के आइटम बाहर आ रहे हैं तो वो उसको बाहर नहीं आने देता, वो क्या करता है उसको दबा के छोटा कर देता है। अच्छा, तो ये बात समझ आ गई। अब इससे ये हमें वो टूल्स बताए जा रहे हैं जिसके ज़रिए हमने क्या करना है, हमने लेआउट बनाना है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम पूरा लेआउट की थ्योरी समझी थी कि लेआउट होता क्या है, क्यों बनाते हैं, उसमें एफिशिएंसी की हमने बात की थी थोड़ी सी, और थोड़ा सा हमने यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में बात की थी। तो वो सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में आई होप कि आप लोगों को याद होंगी। अगर किसी ने कल वाली क्लास मिस कर दी है तो पहले वो वाली देखे वो, और उसके बाद ये वाले पे आए। अच्छा, हमारे पास अब यहाँ पर दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक वो प्रॉपर्टी है जो कंटेनर पे लगती है। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं ये बात बताता चलूँ कि फ्लेक्स बॉक्स इज़ नथिंग बट सी एस एस। फ्लेक्स बॉक्स जो है वो हमने लास्ट जो सी एस एस वाली सी वी बनाई थी उसमें हमने ये देखा था कि सी एस एस में क्या होते हैं, सेलेक्टर्स होते हैं और रूल्स होते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स में जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो असल में चंद रूल्स हैं सी एस एस के। वैसे तो मैंने आपको सी एस एस के रूल दो चार पढ़ा दिए थे और मैंने कहा था ये सारी लिस्ट है रूल्स की, आप ये खुद देख लेना, वो आपने देख लिए माशाल्लाह, सब लोगों ने सी वी अपने सी एस एस अप्लाई भी कर लिए। लेकिन ये वो चंद सी एस एस के रूल्स हैं जो मैंने पिक एंड चूज करके निकाले हैं कि जी ये आपको मैंने अलग से बाकायदा पढ़ाना है, ठीक है। तो ये वो वाले सी एस एस के रूल्स हैं। अच्छा, इसमें पहला रूल जो सबसे बताया जा रहा है वो है डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, ये एक रूल है डिस्प्ले फ्लेक्स। अगर ये डिस्प्ले फ्लेक्स हम किसी कंटेनर के ऊपर लगा देते हैं तो वो कंटेनर क्या हो जाता है, वो फ्लेक्सिबल कंटेनर बन जाता है, या वो फ्लेक्स कंटेनर बन जाता है, ठीक है, या वो फ्लेक्सिबल बॉक्स बन जाता है, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स स्टैंड्स और फ्लेक्सिबल बॉक्स, तो ये फ्लेक्स बॉक्स बन जाता है। अब फ्लेक्स बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब फ्लेक्स बॉक्स जैसे ही वो बन जाएगा तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो हम अभी देखते जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। नंबर एक, हम उस पर क्या लगा पाएंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन लगा पाएंगे। अच्छा, आप नोट करें कि इस तरफ ये असल में दो रो पे चल रहा है, दो कॉलम पे चल रहा है ये, ठीक है। जो लेफ्ट वाला कॉलम है इसके अंदर तमाम वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हुई हैं जो कंटेनर पे लगाई जाती हैं, और राइट साइड पे वो वाले तमाम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हो रही हैं जो आइटम्स पे लगाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये आइटम और कंटेनर, ये कौन से की बात हो रही है, जब मैं लिखूँगा ना कि डिस्प्ले फ्लेक्स, तो जिस डिस्प्ले फ्लेक्स, एक तो हमेशा मैं कंटेनर पे लगाऊंगा, ठीक है, किसी ऐसी जैसे डिव,
डिव के अंदर कोई दूसरे एलिमेंट्स आ रहे होते हैं इस तरह, ठीक है। मैं एच वन पर कभी भी डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एच वन तो डिस्प्ले हो जाता है ना एलिमेंट, वो एच वन इज़ नॉट अ कंटेनर, एच वन इज़ नॉट अ कंटेनर। तो ये कंटेनर के ऊपर टाइप की चीज़ पे हमेशा लगाऊंगा। कंटेनर किस तरह की चीज़ को कहते हैं कि जी एक एलिमेंट है, ओपन है, क्लोज है, और उसके दरमियान में एक दूसरा एलिमेंट आ रहा है। तो दिस टाइप ऑफ HTML एलिमेंट्स आर कॉल्ड कंटेनर टाइप एलिमेंट, ठीक है ना। तो हर एलिमेंट को कंटेनर के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे पास br है, hr है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो बटन है, इनपुट बॉक्सेस हैं, ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं सारे, इनको हम कंटेनर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। पैराग्राफ ऑन अदर हैंड कंटेनर के तौर पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। पैराग्राफ ओपन होता है, क्लोज होता है, उसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। तो मैं अपने कंटेनर पे जाके क्या बोलूँगा, फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो उससे क्या हो जाएगा, ये फ्लेक्सिबल बॉक्स बन जाएगा। अब हम इस काबिल हो जाएंगे कि इस पे फ्लैक्स बॉक्स वाली जो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है। जैसा कि फ्लैक्स डायरेक्शन में इस पे लगा पाऊँ, ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन। अच्छा, फ्लैक्स डायरेक्शन किस पे लगेगा, एक ऐसे कंटेनर पे लगेगा जो फ्लेक्सिबल कंटेनर है या फ्लैक्स बॉक्स है। डायरेक्ट अगर मैं फ्लैक्स डायरेक्शन लगाता हूँ वो काम नहीं करेगा। डायरेक्ट मैं किसी कंटेनर पे, किसी ऐसे कंटेनर पे जो फ्लैक्स बॉक्स नहीं है उस पे अगर मैं फ्लैक्स डायरेक्शन लगाता हूँ वो काम नहीं करेगा। हाँ, अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखें, सबसे पहले तो लेकिन मैं आके अपने कंटेनर को फ्लेक्सिबल बना लेता हूँ ना। अच्छा, ये मेरे पास ये लगा हुआ ना पेरेंट, इस पे मैं लिखूँगा जैसे ही कि यार आप क्या हो जाओ, डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाओ। अब डिस्प्ले फ्लैक्स होते ही क्या हो गया, अब ये वाला कंटेनर क्या हो चुका है, अब फ्लेक्सिबल बॉक्स बन चुका है, एक फ्लैक्स बॉक्स बन चुका है। आके ज़रा इसके रिजल्ट को देख लेते हैं। पहले रिजल्ट कुछ इस तरह का था, रिफ्रेश करूँगा तो रिजल्ट अब कुछ इस तरह का हो गया। जो टॉप टू बॉटम का फ्लो था वो अब लेफ्ट टू राइट हो गया। टॉप टू बॉटम का जो फ्लो था वो अब लेफ्ट टू राइट हो गया, ठीक है। हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर, ऐसे हो गया। अच्छा, अब ये जो कंटेनर है, अब ये जो कंटेनर है इसके ऊपर मैं क्या लगा सकता हूँ, फ्लैक्स बॉक्स की बाकी प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको अब फ्लेक्सिबल बॉक्स बना दिया। अगली प्रॉपर्टी जो फ्लैक्स बॉक्स की है वो कौन सी है, वो है फ्लैक्स डायरेक्शन। फ्लैक्स डायरेक्शन के अंदर मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि रो, फ्लैक्स डायरेक्शन रो, या मैं बोल सकता हूँ कि फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, या मैं बोल सकता हूँ कि फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। चार टोटल प्रॉपर्टीज़ हैं और वो चारों इस तरह से दिख रही होती हैं। दिस वन इज़ रो, ठीक है, दिस वन इज़ रो रिवर्स, दिस वन इज़ कॉलम, एंड दिस वन इज़ कॉलम रिवर्स, ठीक है। तो अभी राइट नाउ इसकी जो डायरेक्शन है वो इनमें से कौन सी वाली है, फर्स्ट वाली है, लेफ्ट टू राइट ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। आगे वापस देखते हैं हम, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट टू राइट ये फ्लो कर रहा है। अच्छा, लेफ़्ट टू राइट ये क्यों हो गया, पहले तो ये टॉप टू बॉटम था, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स में यहाँ पर इन्होंने ये बात मेंशन की हुई है कि आप फ्लैक्स डायरेक्शन अगर मेंशन नहीं करते हैं तो रो इज़ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो कोई भी कंटेनर, जैसे ही मैं उसको बोलूँगा कि यार आप क्या हो गए हो, आप हो गए हो डिस्प्ले फ्लैक्स, तो डिस्प्ले फ्लैक्स होते ही उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रो, तो वो हो गई है रो डायरेक्शन, ठीक है। वैसे HTML एलिमेंट्स की जो डायरेक्शन होती है वो टॉप टू बॉटम होती है, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल बॉक्स नहीं होते, जो नॉर्मल होते हैं। अच्छा, तो मैं इसको रो रिवर्स अगर कर दूं तो हो जाना चाहिए। ये याद रखें कि ये प्रॉपर्टी स्टिल किसके ऊपर लग रही है, कंटेनर के ऊपर लग रही है, ठीक है। तो कंटेनर के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगानी है मैंने, तो मैं जाऊंगा पेरेंट में और मैं बोलूंगा कि यार फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, ठीक है। रो रिवर्स करते ही क्या हो जाएगा, ये जो 1 2 3 4 है ये 4 2 3 1 हो जाएगा इस तरह, ठीक है। आप देखें इस तरह से हो गया, ये 4 3 2 1 हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन क्योंकि मैंने इसकी चेंज की है, तो आप यहाँ पे देखें इन्होंने बताया हुआ है कि ये शुरू किस तरफ से होगा, इधर से शुरू होगा, तो वो इधर से ही शुरू हुआ है, ठीक है। अब इस तरफ से अब ये हुआ है 1 2 3 4, ये इस तरफ से हुआ है। अच्छा, तो मैं ये फ्लैक्स डायरेक्शन इस पर जो लगा पा रहा हूँ, ये मैं इसलिए लगा पा रहा हूँ क्योंकि ये एक फ्लैक्स कंटेनर है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो पेरेंट है, डिस्प्ले फ्लैक्स है ये, तो ये पेरेंट एक फ्लैक्स कंटेनर हो चुका है जब ही मैं ये लगा पा रहा हूँ। अगर ये फ्लैक्स कंटेनर नहीं होता, मैंने फ्लैक्स कंटेनर थोड़ी देर लिए हटा दिया, तो अब ये फ्लैक्स डायरेक्शन भी काम नहीं करेगा इस पर, ठीक है। फ्लैक्स डायरेक्शन ये पुराने पहले जैसा हो गया, अब फ्लैक्स डायरेक्शन इस पर काम नहीं करेगा। तो मुझे ये फ्लैक्स डायरेक्शन या जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इन सबको लगाने से पहले डिस्प्ले फ्लैक्स उस कंटेनर पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरफ वाली जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लेफ़्ट साइड वाली,
ठीक है, जिसमें हमने अभी डिस्प्ले फ्लेक्स देखा और जिसको हमने दूसरा फ्लेक्स डायरेक्शन देखा, ये दोनों कंटेनर पे लगने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, कंटेनर पे लगने वाली एक तीसरी प्रॉपर्टी, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप क्या होता है जी, कि अभी तो हमारे पास देखें कंटेनर हमारा बहुत वापस इसको रिफ्रेश, अभी तो हमारा देखें, अच्छा इसको रिवर्स को भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है, रो रिवर्स मैंने जैसे ही लगाया था वापस हटा देता हूँ, ठीक है, एक सिंपल फ्लेक्स कंटेनर बन गया। अभी तो हमारे पास देखें ये चार आइटम्स हैं, तो अभी मेरे पास कंटेनर में और भी जगह बाकी है, कंटेनर मेरा एज टू एज है, लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर मेरे पास आइटम्स बढ़ जाते हैं तो क्या ये इस तरह नीचे अगली लाइन में आ जाने चाहिए? अगर मैं चाहता हूँ कि हाँ जी आ जाने चाहिए, तो मैं इस पर लगाऊँगा फ्लेक्स रैप। ठीक है, अच्छा फ्लेक्स रैप के अगेंस्ट मैं जो प्रॉपर्टीज़ लगाऊँगा, एक तो मैं लगा सकता हूँ नो रैप, कि नहीं जी मुझे नीचे नहीं लाना है, ठीक है, ब्लॉक करना है उसको, एक है रैप और एक है रैप रिवर्स। अच्छा बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है जी, ये नो रैप, इसका मतलब ये है कि फ्लेक्स कंटेनर के अंदर अगर जगह कम पड़ती है तो वो अगली लाइन में बाई डिफ़ॉल्ट नहीं आता। आके ट्राई करके देख लेते हैं, मैं क्या करता हूँ ये H4 को ज़रा मैं बहुत सारा बना देता हूँ, ठीक है, ये मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है। कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ क्या है, जैसे मैंने इसको लिखा ना 6, और 6 लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कर्सर रखा लाइन में किसी भी जगह कर्सर रखा, और मैंने पकड़ा है मेरे पास ऑप्शन और शिफ्ट और एरो डाउन का बटन दबाया एक दफ़ा, ठीक है, एरो डाउन का बटन दबाया, नॉट शिफ्ट एरो डाउन, मैंने पकड़ा है ऑप्शन को और शिफ्ट को मैंने होल्ड किया, दोनों को एक साथ होल्ड किया ऑप्शन और शिफ्ट को, और उसके बाद मैं दबाता हूँ। अच्छा यहाँ मेरे पास ये ऑप्शन है विंडोज़ में, ये होगा अल्टर ALT होगा, अच्छा तो ALT और शिफ्ट को आप दबाएंगे और एरो डाउन, देखें हो रहा है, करें ना, वेल कोई शॉर्टकट उसका होगा वो आप देख लीजिएगा इंटरनेट से देख लीजिएगा कि लाइन लाइन को डुप्लीकेट करने का क्या शॉर्टकट है। हो रहा है सही है। अच्छा एक और भी शॉर्टकट मैं अक्सर यूज़ करता हूँ जो कुछ इस तरह से होता है, इसको मैं ऐसे रिमूव करता हूँ ना यूँ, H1 की जगह मैं ऐसे ही H1 ऐसे करके लिख देता हूँ, ये वाला भी एक शॉर्टकट है मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो शॉर्टकट है ये किस तरह से होता है कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, ये H1 को मैंने डबल क्लिक किया तो मैं कंट्रोल D दबाता हूँ तो एक और H1 होता है वो भी सेलेक्ट हो जाता है, फिर एक और भी सेलेक्ट हो जाता है, ये सारे H1 सेलेक्ट हो गए। हाँ, और फिर मैं बैक स्पेस करता हूँ और जो जो मैं लिखूँगा ना यहाँ पे H2 लिखता हूँ मेरे ख्याल में हिसाब से मिसाल के तौर पर, तो ये H2 सब जगह लिखाता है। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं वापस इसको H1 लिखता हूँ, कंट्रोल डी, मैक में कमांड डी और विंडोज़ में कंट्रोल डी है। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है कि वो अगर एक ही जैसे लिखे हुए टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से ये कर्सर को मैं वैसे भी डुप्लीकेट कर सकता हूँ, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड आई थिंक, बट दिस इज़ पॉसिबल कि जी मैंने मिसाल के तौर पर एक कर्सर यहाँ लगाया, अब मैं अल्टर के बटन को ना, या मैक में अगर ऑप्शन के बटन को या अल्टर के बटन को, एक ही बात है, उसको पकड़ के होल्ड करके मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा ना वहाँ वहाँ पे ये कर्सर बन जाएगा। ठीक है, अब मैं कोई भी बात टाइप करूँगा ना ये सब जगह लिखाएगा, नोट करें आप। ठीक है, अल्टर पकड़ के, बट दिस इज़ नॉट रेकमेंडेड क्योंकि इसमें माउस टच करना पड़ता है, तो डोंट टच माउस। इसका जो शॉर्टकट कीबोर्ड वाला है वो एक्चुअली, हाँ नहीं, अल्ट शिफ्ट तो उससे तो लाइन डुप्लीकेट होती है ना, नॉट दैट, ये है कंट्रोल अल्टर आई थिंक, ये देखें ये इससे नीचे आता है। मिसाल के तौर पर मुझे ये हेडिंग 4 को सबको रिमूव करना है, 4 हटाना है मैंने, इस तरह से हटाता हूँ। ठीक है, अच्छा उनसे जाके वो पकड़ लें आप, नहीं उनको जाए आप खुद जाके बोलो।
अच्छा जी, ये सारे शॉर्टकट समझ आ गए। वेल, तो हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि हम फ्लेक्स रैप को हम चेक कर रहे थे कि जी अगर इस कंटेनर के अंदर अगर यहाँ पे अगर जगह कम पड़ जाती है, मैं अब स्क्रीन को छोटी करने के लिए ज़रा इंस्पेक्शन खोल लेता हूँ। अब अगर मेरी जगह छोटी पड़ जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये उसको नीचे वाली लाइन में नहीं आने देगा, बल्कि ये क्या लेकर आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये दूसरी लाइन में आ जाए तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फ्लेक्स रैप। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये दूसरी लाइन में क्यों नहीं लाता, क्योंकि नो रैप इज़ डिफ़ॉल्ट। तो जितने भी कंटेनर्स को मैं फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो नो रैप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर मैंने नो रैप को हटा के इसकी जगह रैप लगाना हो तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे आऊँगा इस कंटेनर पे और मैं बोलूँगा कि फ्लेक्स रैप रैप। ठीक है, अब क्या होगा कि अब ये नीचे वाली लाइन में आना शुरू हो जाएगा, जैसी जगह कम हुई नीचे वाली लाइन में आ गया। ठीक है, कि असल में इसमें मार्जिन नहीं है दरमियान में, इसलिए चिपका हुआ है। ठीक है, अच्छा अब अगला, अब इसको पैरामीटर देख लेते हैं। अगला हमारे पास है जी जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट में क्या होता है कि जी आप मिसाल के तौर पे एक कंटेनर है, अभी हमारा कंटेनर इस पोजीशन में, राइट, अभी हमारा कंटेनर इस पोजीशन में कि जो सारे आइटम्स हैं वो लेफ्ट की तरफ हुए हुए हैं। अच्छा, अगर मैं इसको बोलूँगा फ्लेक्स एंड तो ये राइट की तरफ सारे के सारे एलिमेंट्स चले जाएंगे। अच्छा, अगर मैं बोलूँगा सेंटर तो सेंटर में आ जाएंगे। तो ये आप वाली बात क्या, वो चपके हुए क्यों हैं, है ना, तो मैं इसको सेंटर में बोलता हूँ तो वो सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, अभी ये क्या है, लेफ्ट की तरफ ये सारे गए हुए हैं। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कि यार जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसको मैं यहाँ पे के रिफ्रेश करता हूँ तो ये सेंटर में आ जाता है। ठीक है, सेंटर के अलावा यहाँ पे क्या है जी हमारे पास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड एंड स्पेस इवनली। CSS फ्लेक्स बॉक्स, हाँ, यू जस्ट गो टू गूगल, राइट फ्लेक्स बॉक्स, एंटर एंड यू गेट दिस। अच्छा, ये आपके पास आ गया क्या जी, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली। अच्छा, स्पेस बिटवीन क्या करता है, जितने अभी अवेलेबल स्पेस है उसको बराबर बराबर बांट लेता है। अब देखें, जितना स्पेस यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, और इस कोनों में कोई स्पेस नहीं है, स्पेस बिटवीन। तो हम आगे स्पेस बिटवीन ज़रा इस पर लगाते हैं, क्या होता है देखते हैं। मैंने कहा यार स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन लगाया, रिफ्रेश किया, आप देखें बराबर बराबर बांट लिए, लेकिन लास्ट में कोई इधर स्पेस नहीं है और ना ही लास्ट में इस तरफ स्पेस है, चमक गया बिल्कुल। ठीक है, बराबर बराबर बांट लिया। अच्छा जी, ज़रा मैं इसके हेडिंग्स को कुछ कम भी कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, हेडिंग्स को मैंने ज़रा कुछ कम कर दिया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास स्पेस अराउंड है। स्पेस अराउंड में क्या होता है, इधर बराबर स्पेस, इधर बराबर स्पेस, लेकिन साइडों में भी थोड़ा थोड़ा होता है। कितना होता है, जितना यहाँ पर है उसका 50% यहाँ होता है और 50% यहाँ होता है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, स्पेस इवनली में क्या होता है कि जितना यहाँ है उतना ही एग्जैक्टली यहाँ है और उतना ही यहाँ है और उतना ही यहाँ है। तो मैं स्पेस इवनली भी लगा के देख लेता हूँ उसको, देखो। ठीक है, स्पेस इवनली में आप नोट करें, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है और उतना ही यहाँ पर है, बराबर बराबर बिल्कुल स्पेस दे दिया उसने। सही है, बड़ा अच्छा हो गया, आसान हो गया। अच्छा, अब हमने इसको इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, अब ये वर्टिकल अलाइन है। मिसाल के तौर पे अभी तो हमारा जो कंटेनर है, अभी जो हमारा कंटेनर है इसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन हैं, जितने भी आइटम्स हैं, वो सारे एक ही कलर के हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मेरा कोई आइटम छोटा, कोई आइटम बड़ा अगर होता, तो मैं क्या चाहता कि मैं ये पेरेंट के सारे छत से चिपक जाएँ, पेरेंट के सारे ज़मीन से चिपक जाएँ, या इसको सेंटर में हो जाएँ अपने पेरेंट के। अच्छा, इसकी बाई डिफ़ॉल्ट क्या प्रॉपर्टी होती है, नीचे चल के देख लेते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट होती है स्ट्रेच। स्ट्रेच में ये क्या करेगा कि आइटम्स को खींच के बड़ा करेगा और पेरेंट के टॉप से लेके बॉटम तक उसको रखेगा लगा के। ठीक है, तो हमने सेंटर करना तो हम सेंटर कर लें, फ्लेक्स स्टार्ट या फ्लेक्स एंड कर सकते हैं हम। ठीक है, बेस लाइन कर सकते हैं हम।
बेस लाइन में ये होता है कि जो टेक्स्ट होता है ना वो बराबर हो जाता है, बिल्कुल एक लाइन पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ जाते हैं और यहाँ जाके अब हमने क्या करना है, अब हमने एक अदद लेआउट बनाना है। हमने क्या बनाना है, एक अदद लेआउट बनाना है। अच्छा लेआउट बनाने के लिए मैंने एक ड्राइंग पहले से बना के रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो इस ड्राइंग को ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, और इसके ज़रिए हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये एक मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसका लेआउट कुछ इस तरह का ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बना हुआ। अच्छा इसके लेआउट के अंदर क्या चीज़ है जी, एक यहाँ पे लोगो आ रहा है, तीन चार मेन्यू आइटम है, फिर इधर दो बटन है। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, मेरा ये जो पीछे जो ये जो भी कलर है इसका हल्का सा रेड कलर है, जो लाइट रेड कलर जो है इसको मैं रेडी कर देता हूँ। ठीक है, नो नॉट रेड, कुछ लाइट कलर, ये फिग्मा जैम, ये ड्राइंग ऐप है, दिस इज़ जस्ट अ ड्राइंग ऐप, नथिंग एल्स, फिग्मा जैम। ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ ड्राइंग ऐप। अच्छा तो आपने जब भी कोई लेआउट बनाना है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि यू मेक दिस काइंड ऑफ ड्राइंग, ठीक है, जिससे आपको सोचने में बैलेंस मिलता है। अच्छा मैं ख़ुद अपने लिए जब इस तरह का कोई लेआउट बना रहा होता हूँ तो मैं इस तरह की ड्राइंग ऐप्स को प्रेफर नहीं करता, मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मेरे हाथ में पेन और पेंसिल हो, मैं उस पर बनाऊँ, वो ज़्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है। लेकिन अभी क्योंकि आपके पास प्रोजेक्टर मौजूद है तो इसलिए आपको ज़रा अच्छे से इस पर नज़र आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर बना दिया। लेकिन वैसे मैं यहाँ पर ख़ुद अपने लिए यहाँ पर नहीं बनाता, मैं ख़ुद अपने लिए पेन पेपर पर कोशिश करता हूँ बनाऊँ। वेल, तो दिस इज़ जस्ट अ ड्राइंग ऐप। तो ये ग्रे कलर का जो बॉक्स है, इमेजिन कर लेंगे ये आपकी पूरी स्क्रीन है इस वक्त। ठीक है, अच्छा इस पूरी स्क्रीन पे आपको क्या चाहिए, एक अदद नेविगेशन बार चाहिए। तो ये मैंने ग्रे कलर से यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया है, एक कंटेनर बना दिया है जो दैट इज़ गोइंग टू एक्ट लाइक अ नेविगेशन बार। ठीक है, नेव कर दिया, या डिव बना दूँ या नेव लिख दूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरह हो गया, एक नेविगेशन बार हो गया। अच्छा इस नेविगेशन बार में मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि एक बॉक्स इधर ऐसे एक बॉक्स है ऑब्वियसली, और एक बॉक्स इस साइड है, और एक को लेफ्ट पे अलाइन किया हुआ है और एक को राइट पे अलाइन किया हुआ है ना। तो मैंने भी अपने पास क्या कर लिया, यहाँ पे एक येलो बॉक्स बना लिया जो लेफ्ट पे होगा और एक येलो बॉक्स बना लिया जो कि राइट पे होगा। और येलो बॉक्स के अंदर क्या है मेरे पास, एक अदद इमेज और तीन बटन। राइट वाले बॉक्स पे क्या है, दो बटन है, दैट्स इट। तो इसको हम जल्दी से बना लें, अगर क्या ख्याल है, इस तरह से हम जल्दी से इसको बना लेते हैं। सीवी में तो ये इशूज़ बहुत आए थे ना कि जी इमेज इस तरफ करनी है उधर करनी है, हो रही नहीं थी। अच्छा मैं क्या करता हूँ, आके ये जो पेरेंट शेरेंट सारा बनाया हुआ है ना पहले का, इसको मैं उड़ा देता हूँ। अच्छा तो मैं बना देता हूँ नेव। अच्छा मैं नेव इसकी जगह डिव भी बना सकता हूँ मैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि नेव बना दूँ मैं इसमें। ठीक है ना, नेव क्या होता है, नेव की सिमेंटिक मीनिंग होती है, जब कोई क्रॉलर आता है मेरी वेबसाइट पे तो इस नेव को देख के समझ जाता है कि ये ऊपर वाला टॉप वाला नेविगेशन बार है। ठीक है, अच्छा डिव का और नेव का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, डिव का और नेव का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें। तो ये एक नेव आ गया, इसको मैं क्लास एक दे देता हूँ क्योंकि मैंने इस पर CSS लगानी है ना, इसको फ्लैक्स बॉक्स मैंने डिक्लेयर करना है, तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ कि जी आप क्या हो, नेव बार हो आप। ठीक है, क्लास दे दी, और यहाँ पे आके मैं क्या बोल देता हूँ जी, डॉट नेव बार, और इसको मैं बॉर्डर एक लगा रहा हूँ ताकि मुझे नज़र आए। किस कलर का बॉर्डर लगा दूँ इसमें, मैं ग्रे कलर का एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको ग्रे बनाया था। 2 pixel सॉलिड ग्रे, ठीक हो गया, नेव बार हो गया ये। अच्छा इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक अदद येलो बॉक्स इधर लेफ्ट वाला और येलो बॉक्स राइट वाला। तो मैं दो डिव बना देता हूँ इसमें, एक को मैं क्लास दे देता हूँ लेफ्ट साइड, और इसी तरह एक और को मैं क्लास दे देता हूँ राइट साइड। ठीक है, ये येलो वाला लेफ्ट बन गया और ये राइट बन गया। अच्छा लेफ्ट साइड के अंदर सबसे पहले क्या है, एक अदद इमेज, लेफ्ट साइड के अंदर मुझे एक अदद इमेज चाहिए होगी। ठीक है, सोर्स इसको मैं कहीं ना कहीं से ला के देता हूँ अभी, एक इमेज चाहिए मुझे, और क्या चाहिए, दो, एक दो तीन बटन चाहिए मुझे, मैं तीन बटन लगा देता हूँ, चार बटन हो गए, तीन लगा दिया बटन। अच्छा इस वाला राइट साइड वाला, उसमें भी दो बटन है,
राइट साइड वाले में भी दो बटन है, ठीक है। अच्छा बटन पे क्या लिखा हुआ है ज़रा उसको आप कॉपी कर लेते हैं, साइन इन और गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, साइन इन और गेट स्टार्टेड, ठीक है ये हो गया। और सॉल्यूशन रिसोर्सेज प्राइसिंग, ठीक है सॉल्यूशन रिसोर्सेज प्राइसिंग। अच्छा ये इमेज है, ये इमेज मैं कहाँ से लेकर आ जाता हूँ, मैं जाके लिखूँगा google.com पे कि जी स्लैक लोगो PNG, ठीक है। तो मेरे पास ये लोगो क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और मुझे ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला लोगो चाहिए ना, PNG मैंने इसीलिए साथ लिखा है, देखिए ट्रांसपेरेंट है इसका बैकग्राउंड। अच्छा किसी दूसरे को मैं अगर ओपन करता हूँ तो सारे ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो अब जो ट्रांसपेरेंट वाला था मैंने उसको क्या किया, इसको मैंने राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। अच्छा ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया, ठीक है सही है। हमने वैसे पहले इमेज डाउनलोड की भी है राइट क्लिक करके, किस तरह करते हैं किया हुआ है ना हमने, ओपन इमेज इन न्यू टैब। अच्छा तो ये इमेज मेरे पास कहाँ आ गई, मेरे पास ये डाउनलोड्स में आकर शो हो चुकी होगी। तो इसको मैं क्या करूँगा, ड्रैग करके अपने पास लेकर आ जाऊँगा, ठीक है ये मेरे पास आ गई है, इसको मैं लेकर आता हूँ अपने फ्लैक्स बॉक्स वाले फोल्डर में, और इसको मैं कह देता हूँ logo.png। और logo.png बोलने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे logo.png यहाँ दे देता हूँ। तो इस पॉइंट पे मेरा जो ये स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल रेडी है, जिसमें एक नैव बार है मेरे पास, यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है जी। यहाँ पे मैच कर लेते हैं, ये ग्रे वाला नैव बार आ गया मेरा, उसके बाद येलो लेफ्ट साइड है और ये येलो राइट साइड है, ठीक है जी। ये लेफ्ट साइड आ गया मेरे पास और ये राइट साइड आ गया मेरे पास, लेफ्ट साइड के अंदर ये तीन आइटम है और राइट साइड के अंदर ये दो आइटम है, ठीक हो गया। अच्छा अब स्क्रीन पे ये नज़र कैसा आ रहा होगा, स्क्रीन पे ही नज़र आ रहा है ऐसा, ठीक है स्क्रीन पे ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, लेकिन नो प्रॉब्लम। अच्छा ये जो बटन है इसको भी मुझे एक्चुअली बटन नहीं बनाना है, इसको मुझे एक्चुअली डिव बनाना है, क्योंकि वो बटन का एक ख़ास तरह का वो शेप होता है, तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ज़रा बटन शेप में चाहिए, ठीक है। और इसको चलो मैं एक को बटन बना देता हूँ, इसमें से एक को बटन बना देता हूँ और एक को मैं, ठीक है बटन गेट स्टार्टेड वाले को बटन बना देता हूँ, दूसरे को मैं क्या कर देता हूँ डिव रखता हूँ। हाँ हाँ ये ड्राइंग आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, तो आपने ये ड्राइंग बना के फिर उसको असाइनमेंट को बनाना है, और इस तरह का एक वेब पेज आप नेक्स्ट क्लास में बना कर लाएंगे। ड्राइंग तो आप खुद बनाएं, वो आपके अपनी सहूलत के लिए, मुझे तो आप एक्चुअल रिजल्ट दिखाएंगे, होस्टिंग का लिंक दिखाएंगे, ठीक हो गया जी। ये हाँ वो मैं आपको बताऊँगा किसका बनाना है। अच्छा अब ये हो गया जी, मेरे सबसे पहले तो इस इमेज का मुझे साइज़ छोटा करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे विड्थ इसको बता देता हूँ कि जी आप 150 पिक्सल आपके लिए बहुत है, ठीक है 150 पिक्सल का हो गया। अच्छा अब ये क्या हो गया जी, अब ये जो ग्रे कलर का जो बॉर्डर है, दिस इज़ नेव बार, ठीक है। ग्रे कलर का जो बॉर्डर है वो यहाँ पर भी ग्रे कलर में है। अच्छा अब इस ग्रे कलर के अंदर ये दो येलो वाले जो है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो हैं, मैं इन पे भी क्या लगा देता हूँ, नेव बार के अंदर लेफ़्ट साइड जो है इसको भी मैं एक अदद बॉर्डर दे देता हूँ येलो, ठीक है। और राइट साइड वाले को भी मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ अब ये कुछ इस तरह से है ना, ये येलो ज़रा सा मैं इसको डार्क कर दूँ, ठीक है। जो ये येलो कलर से जो है वो अभी टॉप और बॉटम पर है, इसको मैंने लाना है साइड बाय साइड, लेफ्ट टू राइट। कैसे करूँगा मैं इसका जो पेरेंट है, इस येलो वाले डब्बे का जो पेरेंट है उसको मैं क्या करूँगा, फ्लैक्स बॉक्स बना दूँगा, ठीक है। इस येलो वाले डब्बे का पेरेंट कौन है, इस येलो वाले डब्बे का पेरेंट यहाँ पर कौन है, नेव बार है, यानी ग्रे वाला जो है, ठीक है। तो ग्रे वाले को मैं आके क्या करूँगा, सबसे पहले इस वाले को, ग्रे वाले को मैं बोलूँगा कि आप क्या हो जाओ, डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाओ, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स करते ही क्या होगा, ये साइड बाई साइड आ जाएगा। अच्छा डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद ये स्टार्ट में आया है,
अब मुझे एक को इस कोने में करना है, एक को दूसरे को उस कोने में करना है, कैसे करूंगा मैं? जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है? इसमें तो तीन है ना, तो एक इस कोने पे आता है, एक इस कोने पे, तीसरा दरमियान में रहता है। मेरे पास दो ही हैं, तो एक इस कोने में जाएगा, एक उस कोने में जाएगा, ठीक है? तो आके मैं क्या लगा देता हूँ यहाँ पे, ये जो ग्रे वाला डब्बा है, ग्रे वाले डब्बे के अंदर बोलता हूँ मैं कि आप हो जाओ जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है? एक इधर गया, एक उधर गया, सही हो गया। अच्छा, अब मुझे इसको भी क्या करना है, इसको भी साइड बाई साइड लाना है, ये जो टॉप टू बॉटम है। तो इन दोनों का जो पेरेंट है वो कौन है? ये येलो वाला बॉक्स है। इस येलो बॉक्स को भी मैं बोलूंगा भाई आप भी फ्लेक्स बॉक्स हो जाओ। साइड बाई साइड आ गया। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, इसको खींच के बड़ा कर रहा है ऊपर से नीचे तक। बाई डिफॉल्ट इसको ये खींच के बड़ा कर रहा है। मुझे कहाँ पे चाहिए ये? मुझे सेंटर में चाहिए, सही है? तो मैं साथ साथ इसको क्या बोल दूंगा, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है? सेंटर में हो गया ये, ठीक है? इसी तरीके से अब ये वाला जो है लोगो और ये तीनों डिव, ये तीनों भी क्या हैं, साइड बाय साइड हैं, तो इसको भी मुझे क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, तो ये भी क्या हो जाएंगे। और मुझे इसके सारे आइटम को क्या करना है, दरमियान में करना है, जो खींच के बड़ा किया हुआ है इसको। तो मैं क्या कर दूंगा, अलाइन आइटम्स सेंटर, ये मेरा लेआउट बन के तैयार हो गया। अच्छा, अब ये जो है ना, इसके दरमियान में फासला मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फासले के लिए ये जो लेफ़्ट साइड के अंदर जो मेरे पास जो भी आइटम्स अवेलेबल हैं उसको मैं क्या कर दूँगा, मार्जिन दे दूँगा। ऑब्वियसली मैंने कहा कि लेफ़्ट साइड के अंदर क्या है, ये लेफ़्ट साइड के अंदर जो डिव्स हैं जितने भी आगे, लेफ़्ट साइड के अंदर जो डिव है उसको क्या दे दो, मार्जिन दे दो आप 1 rem, ठीक है? मार्जिन हो गया, ठीक है? इस तरफ भी मुझे मार्जिन चाहिए, साइन इन और गेट स्टार्ट आपस में काफ़ी क्लोज है, तो मैं बोलूँगा कि यार ये जो डिव है ना, पिक्सल भी लिख सकते हैं, rem भी लिख सकते हैं। rem मैंने बताया था ना क्या होता है, क्या होता है बताओ, ठीक है? इन दोनों में भी आपस में क्या आ गया, स्पेस आ गया। अच्छा, अब ये जो बॉर्डर शॉर्टर मैंने लगाए थे ये अपने हेल्प के लिए, इसको मैं हटा दूंगा। बॉर्डर को मैंने हटा दिया, बॉर्डर को मैंने हटा दिया, और बॉर्डर को मैंने हटा दिया। मुझे तो इस तरह का यूआई चाहिए था ना, ये यूआई चाहिए था मुझे, मैंने अपनी हेल्प के लिए लगाया था ताकि मुझे दिखता रहे कि कौन सा आइटम किधर है, टॉप ऊपर नीचे है या साइड बाई साइड है। मुझे ऐसा यूआई चाहिए था और मुझे यहाँ पर ऐसा यूआई अब मिल चुका है, सही है? और आपने अब क्या करना है, ये वाली जो इमेज है पूरी, ये वीडियो पे रिकॉर्ड हो गई है, ये वाला आपने पूरा पेज बनाना है। बस ये सब ने यही बनाना है। हाँ, सब ने यही बनाना है, ये जो पेज दिख रहा है ना ये बनाना है। और ये शक्लें हैं, हाँ शक्लें आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके निकाल लें, या आप एक्चुअल वेबसाइट पे चले जाएं, स्लैक की एक्चुअल वेबसाइट पे आप जाएं, slack.com, ठीक है? यहाँ से आप ये वाली इमेज उठा लें, यहाँ पे लोगों ने इमेज लगाई हुई है काफ़ी सारी, ठीक है? ये उठा लें आप इसमें से कोई, ठीक है? अगर किसी से बन पाए अगर, तो ये स्लैक की एक्चुअल वेबसाइट पूरी बना दें। मैंने आपको जानबूझ के ये असाइनमेंट्स आसान वाला दिया है क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि आपकी बस की बात है। हाँ, किसी से हो गया तो यूट्यूब का पेज बनाए, लड़कों को तो मैंने यूट्यूब का होम पेज दिया और सबने बना भी लिया। हाँ हाँ, हो गया तो फिर हम मार्केटिंग करेंगे। जब कंप्लीट हो गया अगर आपसे ये पूरी वेबसाइट ही नीचे तक, तो फिर आपकी मार्केटिंग होगी। फिर हमने तो यही सीखा है ना, शुरू के दिन हमने देख लिया था कि थोड़ी सी पढ़ाई, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और उससे भी ज़्यादा मार्केटिंग, ठीक है? इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।